महेश्वर में शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं में नहीं हो रहा सुधार। रविवार को छुट्टी के चलते मरीजों के वार्ड में देखी गई जगह जगह गंदगी। महिषा शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी दौलत सिंह चौहान द्वारा प्रसूता की मौत के संदर्भ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर में आकर डॉक्टरों और कर्मचारियों से चर्चा की थी एवं स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं में जल्दी सुधार की बात कही थी। लेकिन उनके जाने के अगले दिन ही रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरल भर्ती वार्ड हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल परिसर के बाहर गंदगी ही गंदगी देखी गई। सफाई कर्मियों द्वारा सुबह से ना तो झाड़ू लगाई गई और ना ही पोछा लगाया गया। इसी गंदगी के बीच मरीज जनरल वार्ड में अपने परिजनों का इलाज करवाते नजर आए। जगह जगह कार्टन बाटल व कूड़ा कचरा देखा गया। स्वास्थ्य केंद्र में 5 सफाई कर्मी नियुक्त है लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। जहां एक और पूरा भारत स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है वही स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी देखकर ऐसा लगता है मानो स्वास्थ्य केंद्र का स्वच्छ भारत अभियान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब इस विषय को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी दौलत सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि सफाई ठेकेदार से सफाई नहीं होने को लेकर चर्चा करूंगा। कहां से आए हैं? महेश्वर से। वार्ड में सफाई हो रही है क्या? सुबह से तो अभी झाड़ू भी नहीं गड़ी है। झाड़ू भी नहीं लगाई है और पोछा वोछा कुछ लगाया गया? पोछा भी नहीं लगा हुआ। तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है क्या वार्ड में? वार्ड में है ना गंदगी दिख रही है, आप देख लो मोबाइल घुमा कर। डीजीएन न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट महेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएन न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।